एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक आरपी लाइफ ब्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे और मैं ही बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम कोलकाता जाने वाले हैं। जी हाँ, हम मतलब मैं जा रही हूँ तो ऑब्वियसली आप लोग भी मेरे साथ चलेंगे ना, क्योंकि ब्लॉग तो आप लोगों को वहीं के देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पैकिंग तो मैंने उस दिन के ब्लॉग में आपको दिखाया ही था कि मैंने पैकिंग कर लिया है, बट थोड़ी बहुत जो पैकिंग है वो अभी करनी बाकी है। मतलब छोटे मोटे जो चीज़ें होती है खाने पीने की, वो रखने के लिए। और मेरा चाय कंप्लीट हो चुका है तो मैं सबसे पहले उसको निपटाती हूँ, उसके बाद और घर के भी सारे काम होंगे। वैसे मेरा जो ट्रेन है वो मॉर्निंग में नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा हड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स होकर सारा काम निपटाने के बाद भी जाऊँगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना जो पैकिंग है उसको कम्प्लीट करूँ, वरना मैं लेट हो जाऊँगी। ठीक है, वाला झोला है, बस इसमें खाने पीने की चीज़ें रखनी है। हमारा ये बैग रेडी है ऑलरेडी, तो इसको ही बस रेडी करना है, तो ज़्यादा हेडक नहीं है। मैं अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद इसको पैक करूँगी फटाफट। तो चलिए चलते हैं। फिर से वापस आ गई हूँ, मेरा सारा काम खत्म हो चुका है और मौसम इतना ही अच्छा हो रहा है आजकल कि दोपहर में भी नहीं लग रहा है कि मतलब धूप है या फिर टाइम दोपहर हो चुका है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कहीं जाना हो और ऐसा अच्छा वेदर होता है, क्या बात है। तो देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है लेकिन लग नहीं रहा है, लग रहा है कि सुबह ही है, बट कोई नहीं। अब सबसे पहले मुझे रास्ते के लिए खाना बनाना है, जो मैं घर से बना के ले जाऊंगी। जी हाँ, बाहर तो छोटा मोटा चीज़ आदमी खाता है, बट मेरा ख्याल से घर का खाना सबसे बेस्ट होता है। आपको किसी चीज़ का इंतज़ार करने की जरूरत है, और मैं उस पर्सन में आती हूँ कि जो घर से खाना लेके जाते हैं और संतुष्टि से खाते हैं। तो फटाफट पहले उसको बनाऊंगी और मैं बनाने वाली हूँ लिट्टी। तो चलिए शॉर्ट सा वीडियो आप लोग भी देख लीजिए कि मैं कैसे बनाती हूँ। और ये वाला लिट्टी मेरी मम्मी बहुत ही अच्छा बनाती है, मैं भी कोशिश करती हूँ शायद अच्छा बन जाए। और ये सबसे अच्छा नाश्ता होता है रास्ते के लिए, ना हाथ में कुछ लगता होता है और पेट भी भर जाता है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के और फटाफट पहले उसको बनाते हैं। ये कितने का है? आ गए हम लोग स्टेशन की तरफ, अभी गाड़ी नहीं आई है, थोड़ी देर में आने वाली है, उसके बाद हम लोग बस निकलेंगे अपने सफर की तरफ। स्टेशन पे हमेशा की तरह एज ऑलवेज भीड़ लगा है। वैसे ट्रेन भी एक लगी हुई है, पता नहीं किसकी है, मुझे क्या करना है, मेरा थोड़ा है। चलिए चलते हैं, सफर का इंजॉयमेंट का मजा लेते हैं। ओके, मजा आ रहा है। कहाँ जा रहे हो? नानी घर। बहुत खुश हो, नानी घर जा रहे हो तो सबको हेलो कर दो। इसमें सफर स्टार्ट हो चुका है, तो आराम से मैंने एकदम जगह ले लिया है, आराम से बैठ गई हूँ। और अभी दूसरे सीट पे बैठा है, अभी खाली है फिलहाल, धीरे धीरे सेट करेगा तो सफर का मजा लेते हैं। मम्मी के पास पानी करना
भाई को अपना कर लो हाँ, वो बात अलग है। मैं बैठ के ही उसको बता देता हूँ। हम तो हर महीने डॉक्टर मत दूर कर दीजिए, उसको बताओ तो फूल के बगान में ला के रोक दिया है। समझ ही नहीं आ रही है यार, यहाँ पे पीला पीला फूल चारों तरफ दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है दूर तक। यह आते हुए हम लोग को लेने हुए लेते के लिए थोड़ी लेने के लिए प्रणाम करो। हाँ तो मैं आ गई हूँ अपने घर, मतलब अभी स्टेशन पे हूँ, घर जाने वाली हूँ, तो मतलब घर ही आ गई हूँ तो। और ज़्यादा इस ब्लॉग को लंबा ना करते हुए मैं यहीं पे एंड करती हूँ। भैया भी आ गया है, पास में है, अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है आपको, तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।